स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यदि बच्चा उल्टा है तो वो कहाँ पे लिखा रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो है, एक नीरू कुमारी नाम है इस पेशेंट का और 20 ईयर एज है। ये FWB मतलब फीटल बेल विंग हो गया। ये देखिए, ये सिंगल है या मल्टीपल है, इसमें दिया हुआ है सिंगल है तो बच्चा अकेला है, एक है। FHR 147 है, ये नॉर्मल है। यदि नॉर्मल रेंज 120 से 160 तक नॉर्मल होता है, ये जिसमें ये 147 बीट पर मिनट है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन ब्रिज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये बच्चा उल्टा है, इसका हेड ऊपर की ओर है। यदि हेड नीचे की ओर होता तो ये नॉर्मल होता, इसमें लिखा रहता सेफाइलिक, ये बच्चा उल्टा है, ये ब्रिज का मतलब उल्टा होता है बच्चा। ये यदि लास्ट वीक तक बच्चा ब्रिज हो तो इसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। मोमेंट क्या है, बच्चे का मोमेंट ये सीन है, मतलब बच्चे का मोमेंट दिख रहा है, बच्चा हलचल कर रहा है। ये BPD हो गया, बाई पेरेंटल डायमीटर SC, हेड का सरकमफ्रेंस का ये मेजर किया हुआ है। AC मतलब एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट है। FL मतलब फीमर लेंथ का मेजरमेंट है, जिसका 34 34 33 34 ये सबका है। ये सबका मिलाकर क्या आता है, ये कॉम्पोजिशन जिस्टेशनल एज 34 वीक 0 डे, इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो बच्चा अभी का हुआ है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये कैलकुलेट मेजर करने पे मशीन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इसका ये EDD दे देता है, जिसका इस पेशेंट का EDD आ रहा है 23 नवंबर 2025, और ये वेट आ रहा है ये 2340 ग्राम, जिसमें प्लस माइनस इतना हो सकता है। प्लासेंटा इसमें फंडो एंटीरियर है, फंडो एंटीरियर का मतलब बताया ही है, इसके पिछले वीडियो में बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जो ये यदि पेशेंट है, पेशेंट का ये फंडो एंटीरियर मतलब ये आगे की ओर होता है प्लासेंटा तो एंटीरियर होता है, पीछे की ओर होता है तो पोस्टीरियर होता है, ऊपर की ओर होता है फंडल होता है, नीचे की ओर होता है तो लो लाइनिंग होता है। ये तीनों नॉर्मल होता है, ये एबनॉर्मल होता है। लो लाइनिंग होने पर आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये Grade 3 लिखा है, बट ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये Grade 2 होगा। ये हो गया लाइकर, हो गया एडुकेट इन अमाउंट। एडुकेट मतलब कि ये लाइकर ठीक है, 11.9 है, इसका नॉर्मल होता है 8 से 18 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। AFI मतलब एमन्यूटिक फ्लूइड इंडेक्स। एडुकेट यदि एबनॉर्मल होता है तो यहाँ पर लिखाता है इन एडुकेट, ये नॉर्मल है। इम्प्रेशन में देखिए, इम्प्रेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगल लाइव मतलब एक है, वो बच्चा जीवित है। फीटस ऑफ अबाउट 34 वीक 0 डेज ड्यूरिंग विथ एडुकेट लाइकर, मतलब बच्चे का लाइकर एडुकेट है। एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन, बच्चा उल्टा है, ऊपर की ओर सर है। प्लासेंटा फंडो एंटीरियर, प्लासेंटा आगे की ओर है। एंड Grade 2 मेच्योरिटी प्लस, ये इसमें इसका प्लासेंटा का एंटीरियर का ये मैच्योरिटी हुआ है Grade 2, मतलब अभी Grade 3 में नहीं गया है, Grade 2 है। तो ये रहा आपका एक ब्रिज, बच्चे उल्टा होते हैं उनका ये रिपोर्ट है। आपके रिपोर्ट में लिखा रहता है ब्रिज लिखा होगा, देखिएगा। यदि नहीं क्या लिखा हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद हम ज़रूर बताएंगे आपको। यदि और भी कोई ज़रूरी या आपको रिपोर्ट में कुछ और भी लिखा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही एडुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और हमारे